hello everyone welcome to the channel tutorbox in today's class we are going to discuss about combined use of antimicrobial agent okay so this is another lecture in the series of general consideration of antimicrobial agent okay so the thing is that why we are using a combination so as you all know that in so many kind of infection doctors are giving a combinations of antibiotics okay they are giving two drugs or in one tablet we can find two antibiotic in the combinations okay so why they are selecting the combination what are the advantages of these combination and what are the disadvantages of these combination we are going to discuss in this lecture okay so the first thing is that why doctors select the combination The answer of this question is what because they want to treat the infection more fast and more accurately okay that's why they include the combination products in their treatment okay so by combining the antibiotic agent by combining the antibiotic agent they try to solve various things okay what are those things the first one is thing is to achieve the synergies to achieve the synergies of these antibiotics then the second one is prevent the emergence of resistance okay

द फर्स्ट वन इज टू अचीव दिनर्जिस्म ओके सो फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज सिर्जिस्म पहले यह समझिए कि सिर्जिस्म क्या है ओके okay. सिनरजिम का मतलब क्या है दिस इज द फर्स्ट ड्रग एंड दिस इज द सेकेंड ड्रग ओके वैन वी गिव दीज टू ड्रग इन द कॉम्बिनेशन द इफेक्ट ऑफ दीज टू ड्रग इज मोर देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट मोर देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ओके सो so, किस तरह से सिनर्जिज्म होगा उसको देखिए और सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है बेसिकली सिनर्जिज्म में हम जब भी कोई ड्रग देते हैं ओके इफ यू आर गिविंग ड्रग ए एंड ड्रग बी देन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ वन और बोथ ऑफ दीज ड्रग ओके तो आप समझिए सिनर्जिज्म क्या है तो यहाँ पर आप देखिए सिनर्जिज्म क्या है जब एक एंटीबायोटिक का मिनिमम इनिबिटरी कंसेंट्रेशन वो क्या होगी डिक्रीज़ हो रही है या दोनों जो डर कॉम्बिनेशन में यूज की जा रही है उन दोनों की ही मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है दैट इज नॉन एज ए सीनेजिज नाउ दे आर थ्री केसेस यहां तीन केसेस हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज इफ एमआईसी डिक्रीज अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके तो यहां पर क्या हो सकता है जो भी कॉम्बिनेशन में ड्रग दी जा रही है उन दोनों ड्रग की या एक ड्रग की एम आई सी जीरो पॉइंट वन से लेकर ट्वेंटी फाइव परसेंट तक जो है वो रिड्यूस हुई हो ओके सो सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉन एज सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉन एज सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ओके देन द सेकेंड ऑप्शन इफ एम आई सी डिक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी परसेंट ओके तो यहां पर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी परसेंट तक अगर एम आई सी मिनिमम इनिवेटरी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एक ड्रग की या दोनों ड्रग जो कॉम्बिनेशन में ली गई है देन द कॉम्बिनेशन इज सेट टू बी एडिटिव उसको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे एडिटिव कॉम्बिनेशन है ओके एंड द थर्ड वन इज इफ एम आई सी डिक्रीज ग्रेटर देन 50 परसेंट अगर 50 परसेंट से एम ज़्यादा डिक्रीज हो जाए दोनों ड्रग की या एक ड्रग की देन द कॉम्बिनेशन इज़ वर्किंग एज ए एंटागोनिज्म ओके यहाँ पर ज्यादातर केस में क्या होगा एंटागोनिज्म की तरह वर्क करेगा और वी कैन से अपेरेंट एंटागोनिज्म की तरह वर्क करेगा सो रिमेंबर दीज पॉइंट अबाउट द सिनर्जिज्म ओके नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस पॉइंट ऑफ सिनर्जिज्म सिनर्जिज्म के पॉइंट समझिए अब क्या हो सकता है जब भी हम कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज करेंगे वेन एवर वी आर यूजिंग ड्रग इन कॉम्बिनेशन इन दैट केस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ द ड्रग आर बैक्टीरियोसिटिक और बोथ द ड्रग आर साइडल और वन ड्रग इज साइडल एंड अनादर ड्रग इज स्टेटिक ओके okay, तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर किलिंग प्रॉपर्टी ओके सो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं टू बैक्टीरियोटिक एजेंट ले लिया धैन वॉट आर दॉसिबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी है इन दैट केस If टू bacteriostatic drugs often additive ज्यादातर कैसी होती है वो एडिटिव होती है एंड रियली सीनरजिस्टिक एडिटिव का मतलब क्या हो गया है यहां पर टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ओके सो दिस इज नॉन एज ए एडिटिव दोनों का इफेक्ट जो है वो प्लस हो जाएगा ओके okay? इंडिविजुअल में एक ड्रग का इफेक्ट टू तक है ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं और दूसरी ड्रग का भी टू तक है तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर जो है वो एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा ओके एंड इट इज रियरली सीनरजिस्टिक बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि ये कैसा हो सीनरजिस्टिक हो ओके सो जनरली वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव केसेस so uh, these are the drug tetracycline chloramphenicol and erythromycin if these are the static drugs okay and if they are combined with each other then they can become a what we can say they can give the additive effect okay but here i am giving a one exceptional example of this class sulfonamide is one of the drug and trimethoprim is another drug okay so both the drug are static but देअर कॉम्बिनेशन इज सुपरा देअर कॉम्बिनेशन इज सुपरा एडिटिव वाई इट इज सो ऐसा क्यों है क्योंकि सल्फोनिमाइट की जब आप मैकेज देखेंगे ओके okay, तो सल्फोनिमाइट की मैके पावा को इनिबिट करती है तो जो पावा के जो सिंथेसिस होती है मीन फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस होने वाली है डी एन ए को लेकर तो वहां पर दिस इज इनिविटिंग द वन स्टेप एंड द ट्राइमिथोफरिम इज इनिविटिंग द अनादर स्टेप सो ये सिक्वेंशियल ब्लॉक करती हैं ओके okay? इसीलिए इनका जो इफेक्ट है वो कैसा हो जाता है सुपरा एडिटिव मीन्स जिसे हम सिर्जेस बोलेंगे ओके टू प्लस टू इक्वल टू टेन हो जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू टेन ओके सो वॉट वी कैन से अगर हम दो ड्रग अगर हम मिलाते हैं स्टेटिक प्लस स्टेटिक दो ड्रग अगर हम मिलाते हैं तो जनरली दे बिकम साइडल दे कॉम्बिनेशन बिकम वॉट साइडल ओके सो रिमेंबर याद रखें यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है सो मेनी टाइम एग्जामिनर आस क्वेश्चन इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इफ टू ड्रग टू बैक्टीरियो ड्रग आर कंबाइंड विद ईच अदर देन वॉट इज द पॉसिबल इफेक्ट ओके तो ये एक जनरल कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है सो so, ज्यादातर केसेस में क्या होता है देयर कॉम्बिनेशन बिकम साइडल ओके एवरी वन नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड पॉइंट वॉट इज द सेकेंड पॉइंट टू बैक्टीरिया ड्रग

पेनेसिलीन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, सो दिस कॉम्बिनेशन इज वॉट अट साइडल कॉम्बिनेशन ओके सो इट इज यूज इन सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस कंडीशन ओके सो सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस कंडीशन के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा होगा साइडल कॉम्बिनेशन होगा सो जनरली क्या होता है टू बैक्टीरिय ड्रग भी क्या होती है साइडल प्लस साइडल इक्वल टू साइडल ही होती है ओके ज़्यादातर केस में देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज टाइकार्सिलिन प्लस जेंटामाइसिन ओके okay, टाइकार्सिलिन प्लस जेंटामाइसिन सो वी आर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन इन द इन्फेक्शन ऑफ स्यूडोमोनास किसके इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे हैं स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में हम यूज कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली वी आर यूजिंग दिस दिस इन द न्यूट्रोपिनिक पेशेंट पेशेंट हु आर न्यूट्रोपिनिक मीन्स न्यूट्रोफिल काउंट जिनमें क्या हो गया हो कम हो गया सो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल टू ट्रीट पर्टिकुलरली न्यूट्रोपिनिक पेशेंट ओके

and the another one of the famous examples that is what rifampis and isoniazid both are the anti-tubercular drug both are the sidal drug and we are using this in tuberculosis and the effect is sidal and they work as a synergistic way okay and here we can say sidal plus sidal equal to sidal in most of the cases जस्ट लुक ऑन दर्ड केस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन ओके क्या इंटरेस्टिंग बात है तो सीनरजिस्म okay. okay. so, भी हो सकता है और एंटागोनिज्म भी हो सकता है ओके सो नाउ दे आर टू केसेस इन दिस केस सो फर्स्ट केस इफ ऑर्गेनिज्म इज हाईली सेंसिटिव टू द साइडल ड्रग ओके अब यहां ध्यान दीजिए दो ड्रग हमने यूज करी फर्स्ट इज साइडल सेकंड वन इज स्टेटिक ओके इन दैट केस जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करने वाले हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसा है इट इज हाईली सेंसिटिव टू द साइडल ड्रग ओके क्लियर एवरी वन नाउ अब क्या होगा सो so, इस कॉम्बिनेशन का रेस्पॉन्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू स्टेटिक ड्रग गिवन अलोन ओके तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा क्या होगा साइडल प्लस स्टेटिक बिकम स्टेटिक हवा ऐसा क्यों हो रहा है कि ये साइडल प्लस स्टेटिक इक्वल टू स्टेटिक हो रहा है वो आप देखिए क्योंकि अगर हम स्टेटिक ड्रग अलोन दे रहे हैं ओके okay? तो उसके बराबर ही इफेक्ट आएगा यहाँ पर तो इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज नॉन एज एपरेंट एंटागोन दिस इज नॉन एज एपरेंट एंटागोनिज्म ओके सो so, ऐसा क्यों हो रहा है अब ये आप समझने का प्रयास करिए इट इज हैपन सो दे आर टू थिंग फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द साइडल एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेटिक ओके साइडल ड्रग इज प्राइमरिली इनिविटिंग वॉट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया ओके ये किसको इनिवीट करेंगे प्राइमरली इनिविटिंग द मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया ओके एंड स्टेटिक ड्रग प्राइमरिली इनिट मल्टीप्लीकेशन तो देखिए साइडल ड्रग किसको इनिबिट करती है मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइंग करने वाले होते हैं उनको इनिबिट करती है और उनको किल करती है ओके okay? बट स्टेटिक ड्रग क्या करती है इट इनिबिट द मल्टीप्लीकेशन इट इनिबिट द मल्टीप्लीकेशन अब क्या होगा अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा जो स्टेटिक ड्रग होगी वो जो मल्टीप्लिकेशन को ही इनहिबिट कर देगी मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देगी तो साइडल ड्रग का जो इफेक्ट है वो नहीं आ पाएगा उतना ओके दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन जनरली बिकम व्हाट अपेरेंट एंटागोनिस्ट व्हाट इज द एग्जांपल यहां पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके एग्जांपल क्या हैं सो फर्स्ट एग्जांपल इज पेनिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन ओके पेनिसलीन इज अ साइडल ड्रग एंड टेट्रासाइक्लिन इज स्टेटिक ड्रग एंड पेनिसलीन इज हाईली सेंसिटिव फॉर न्यूमो बैक्टीरिया ओके इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर न्यूमो बैक्टीरिया ओके बट इफ वी आर गिविंग देम इन अम्बिनेशन देन देयर इफेक्ट इज लेस देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द पेनिसलीन सो यहाँ पर क्या होगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मोर्टिलिटी ज्यादा होगी ओके okay. बट अगर हम ओनली पेनिसलिन दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा

ओके एसिड प्लस नाइट्रोफिटोइन इन द एंटागोनिज्म आपको देखने को मिलेगा ओके एवरीवन सो इसको याद रखिए यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है क्योंकि जनरली बच्चे इसको क्या कर देते हैं साइडल प्लस स्टेटिकल कर देते हैं ओके देन द सेकेंड थिंग ज इज लो सेंसिटिव टू द साइडल ट्रक ओके पहला केस था क्या था हाईली सेंसिटिव ट्रक के अगेंस्ट में बट से क्या है ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही कम सेंसिटिव है किसके साइडल ट्रक के ओके सो यहां पर क्या हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिनरजिम यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा हमें सिनरजिम देखने को मिल जाएगा कैसे देखने को मिलेगा ओके okay. क्योंकि यहां पर जो साइडल ड्रग है वो कैसी है लो सेंसिटिव है तो अब जो एक्ट करना है वो किस कौन करेगा स्टेटिक ड्रग एक्ट करेगी ओके एंड द कॉम्बिनेशन डोडो का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कर जाएगा सिनर्जिज्म हो जाएगा उसमें ओके तो एग्जांपल देखिए यहां पर क्या एग्जांपल है पेनेसिलीन प्लस सल्फोनेमाइट पेनीसिलीन प्लस सल्फोनेमाइट ओके सो so, यहां पर देखिए एक्टिनो के अगेंस्ट में हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर करें वी आर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन अगेंस्ट द एंड दिस कॉम्बिनेशन बिकम द साइडल दिस कॉम्बिनेशन बिकम द साइडल ओके देन अदर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोराम फैनिकोल स्टेप्टोमाइसिन प्लस क्लोराम फैनिकोल ओके सो बोथ द कॉम्बिनेशन यूज अगेंस्ट द के निमोनी इन्फेक्शन मीन निमोनिया के कलेप्सिलमोनिया के इनफेक्शन के अगेंस्ट में हम यूज कर रहे हैं So this combination is also working as a sidal combination. Okay, then the third one is streptomycin plus tetracycline. Streptomycin plus tetracycline is used for brucellosis. Okay, generally tetracycline is the drug of choice for brucellosis. But in some case specific cases where tetracycline is not able to cover the infection then doctor try to combine both of these drugs. Okay, so दोथ ऑफ दो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस ड्रग इज हेल्पफुल टू ट्रीट द इन्फेक्शन वेरी फास्टर एंड सुनियर ओके एंड दिलैप्स आर लेस ओके यहाँ पर चांसेस जो हैं ट्रीटमेंट फास्ट होता है और रिलैप्स रिलैप्स मतलब दोबारा जो इन्फेक्शन होने के चांसेज हों एक बार खत्म होने के बाद उसके चांसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिफाम्पिन एंड डेप्सोन ओके सो एंड डेप्सोन इज फॉर लेप्रोसी लेप्रोसी के लिए हम इसको यूज करते हैं एंड दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वर्क एज सिनर्जिस्टिक वे ओके सो यहां पर एंटागोनिज्म के एग्जाम्पल याद हो गए और के आपको एग्जाम्पल याद हो गए ओके सो दिस इज अबाउट द हाउ टू अचीव द सिनर्जिज तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया आइए देखते हैं अब दूसरे पॉइंट प्रिवेंट इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड द नेक्स्ट वन ब्रोडन स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक नाउ जस्ट अंडरस्टैंड अनादर पॉइंट प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रजिस्टेंस ओके सो वॉट हैपन इन दिस पॉइंट म्यूटेशन कन्फरिंग वन एंटीबायोटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कन्फरिंग टू अदर एंटी माइक्रोवियल एजेंट यहाँ समझिए सपोज करिए कि एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में अगर बैक्टीरिया ने म्यूटेशन कर लिया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंड एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में भी सेम बैक्टीरिया म्यूटेशन कर लेगा और म्यूटेशन होने की वजह से ही रेजिस्टेंस होता है तो सपोज करिए अगर कोई ड्रग ए है सब ड्रग ए के अगेंस्ट में टेन टू दावर माइनस फाइव बेसिलाई रेजिस्टेंट है ओके okay, म्यूटेशन हुआ है उनमें और सपोज करिए कि ड्रग बी में टेन टू दावर माइनस सेवन बेसिलाई रेजिस्टेंट है तो अगर हम इन दोनों ड्रग का अगर हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो इन दैट केस टू दी पावर ट्वेल्व में से एक बैक्टीरिया को रजिस्टेंस होने के चांसेस हैं ओके सो दिस इज अबाउट द अबाउटिटेंस डेवलपमेंट ताकि क्या होगा कॉम्बिनेशन देने से रजिस्टेंस डेवलपमेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे एंड जनरली वी आर गिविंग कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर क्रॉनिक इंफेक्शन एक्यूट इंफेक्शन के लिए नहीं दी जाती है जनरली वी आर गिविंग क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाती है एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी में ही ज़्यादा चांसेस होंकि कि रजिस्टेंस डेवलप हो जाए दैट्स वाई वी आर गिविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग ओके जैसे कि जो क्रॉनिक थेरेपी चलती है टी बी की हो गया लेप्रोसी हो गया एच आई वी की इनकी जो थेरेपी चलती है दैट रन अराउंड सिक्स मंथ्स टू अप टू टू ईयर ओके एंड सिमिलरली नाव डेज एच पाइलोरी इन्फेक्शन विच इज कॉजिंग अल्सर has also a long term therapy that's why drug combination is preferred to decrease the resistance chances or we can say prevention of emergence of resistance okay then moving on the another point that is broaden spectrum of antibiotic why we are combining the drug so we are combining the drug to increase their spectrum okay hum ज्यादा बड़े स्पेक्ट्रम पर अपनी ड्रग को देना चाहते हैं जैसे कि लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो इट इज अ बिगर स्पेक्ट्रम ओके सो इन दिस पॉइंट वी कैन टॉक अबाउट द इन्फेक्शन सो देयर मे बी अ मिक्सड इन्फेक्शन एंड देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट इनिशियली वी आर ट्रीटिंग द सीवियर इन्फेक्शन ओके विदाउट एनी डायग्नोसिस एंड देन टॉपिकल यूज ऑफ द ड्रग सो वी आर डिस्कसिंग दीज थ्री पॉइंट फर्स्ट वन इज Treatment of mixed infection. Suppose a person is infected by mixed infection means the person is infected by a disease which having aerobic and anaerobic infection both of these. So there are some condition like bronchitis. This is the condition. Peritonitis, urinary tract infection, some kind of urinary tract infection. Then brain abscesses formation. Okay, and as well as di diabetic foot infection. बैड सोर्स एज वेल एज गाइनिकोलॉजिकल इन्फेक्शन सो ये जो सारे तरह के इन्फेक्शन है दीज ऑल इन्फेक्शन हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ काइंड ऑफ इन्फेक्शन एरोबिक एज वेल एज एन एरोबिक सो इन दैट केस सम एंटीबायोटिक आर ऑनली इफेक्टिव अगेंस्ट अरोप एंड सम एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए एन एरोप सो इन इन सच काइंड ऑफ कंडीशन डॉक्टर्स नीड टू ट्रीट द इन्फेक्शन बाय द कॉम्बिनेशन बिकॉज if one antibiotic is treating by the aerobic and another antibiotic is treating the anaerobic infection so one of the example of these condition is like clindamycin and metronidazole are useful for anaerobic condition okay so what should doctor do or how to select the drug for such kind of infection okay so the first one is do the bacteriological diagnosis okay bacteriological diagnosis is very necessary okay without the result of bacteriological diagnosis doctor are not able to give the accurate treatment okay so that's why it is very necessary okay then the next one is sensitivity pattern okay doctor must need to understand the bacteria which is infecting the person and the bacteria is sensitive against which kind of the drug or we can say which kind of antibiotic suppose bacteria is resistant bacteria or non resistance bacteria तो जब तक ये पता नहीं लगेगा कि बैक्टीरिया पर कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है मीन्स कौन सी एंटीबायोटिक उस पर असर कर सकती है और कौन सी एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी क्योंकि उस वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रजिस्टेंस हो चुका है जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सम बैक्टीरिया आर लाइक पेनिसिलिन रजिस्टेंस मेथिसिलिन रजिस्टेंस ओके so in that case we are using other drug okay so these two points are really very important regarding the bacteriological diagnosis and sensitivity pattern for the selection of a proper drug to treat the mixed infection okay then the second one is initial treatment of severe infection okay so initially when doctor not able to get the bacteriological diagnosis result एट दैट टाइम दे आर स्टार्टिंग द एम्पेरिकल थेरेपी एम्पेरिकल थेरेपी मीन्स वो थेरेपी जो कि थ्योरी के बेसिस पे दी जाती है जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर डॉक्टर्स को लग रहा है किसी पेशेंट में तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जैसे कि पेनिसिलिन जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको प्रेफर करेंगे बट उनको अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ है ये नहीं पता लगा है कि कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है बट क्योंकि थेरेपी स्टार्ट करना जरूरी है दैट्स वाई दे आर स्टार्टिंग द एम्पेरिकल थेरेपी ओके then which kind of therapy they will start so they start the penicillin g plus gentamicin okay according to the infection or they may start cephalosporin aminoglycoside plus metronidazole or clindamycin so according to the infection they can start but after getting the result they may change the therapy they will check whether the combination is required or not okay this is the first thing after getting diagnosis bacterial diagnosis result Okay, then they consider the accurate antibiotic agent. And if the bacteria which is infecting the person is sensitive to one antibiotic, highly sensitive to one antibiotic, then there is no need to give the combination therapy. At that time, doctor choose only one antibiotic agent. Okay. So in such kind of cases, what are the strategy chosen by the doctor? So they are. फर्स्ट दे आर चेकिंग अबाउट द सेंसिटिविटी डिटर्मिनेशन ओके सो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो भी बैक्टीरिया है वो कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है ओके okay. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया फ्लोरोक्विनोन से रेजिस्टेंट है कुछ बैक्टीरिया सेफेलोस्फोरिन से रेजिस्टेंट से हो चुके हैं तो इन दैट केस विच प्रेफर ओके okay. उस केस में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी तो इसके लिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो पर्सन है उसका जो सैंपल हम लेंगे वो बैक्टीरिया का सैंपल पहले उसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कराना जरूरी है ओके देन सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन टाइम इन्फेक्शन इज सीवियर सम टाइम व्हाट हैपन इन्फेक्शन इज सीवियर बट इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज कॉम्बिनेशन थेरेपी ओके सो इफ इन सीवियर इन्फेक्शन इफ द बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग अ सीवियर इन्फेक्शन इज सेंसिटिव टू वन एंटीबायोटिक देन डॉक्टर कैन चूज ओनली

और हम कॉम्बिनेशन थेरेपी दिए जा रहे हैं उस पेशेंट को तो ये आगे जाके उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा रजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और कुछ अदर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएगी सो देर इज अ नीड टू ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस ओके दिस इज द फर्स्ट नीड एंड सभी डॉक्टर ये जरूर करवाते ही करवाते हैं ओके एंड नेक्स्ट वन इज टॉपिकली यूज ड्रग्स सम टाइम वॉट हैपन एंटीबायोटिक आर वेरी टॉक्सिक और सम आर पुअरली एब्जॉर्ब इन सच केसेस वी आर यूजिंग दे आर टॉपिकल प्रिपरेशन ओके सम एंटीबायोटिक विच आर नॉट यूज सिस्टेमिकली ओके जिनको हम आई uh, वी नहीं दे सकते या उनके इंजेक्शन नहीं लगा सकते या ओरल रूट से नहीं दे सकते बिकॉज दे आर टू मच टॉक्सिक ओके इन सच कंडीशन वी कैन यूज दोज ड्रग इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन फॉर्म ओके सो सच काइंड ऑफ ड्रग्स आर लाइक बेसिक ड्रेसिंग इन नियोमाइसिन पॉलीमिकसिन बी दीज आर द polyene and polypeptide antibiotics okay so later on we will discuss these drugs as well so this is about the advantages of the combination therapy advantages are to achieve the synergies second one is prevent emergence of resistance third one is broaden spectrum of antibiotic now just understand what are the disadvantages of antimicrobial agent combination first the first one is increase of ADRs okay because we are giving it various kind of antibiotic in the combination some maybe a sider drug maybe a static drug maybe a both the sider drug सो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज अडवर्स ड्रग रिएक्शन कंडीशन इन द पेशेंट ओके सो आप देख ही सकते हैं अभी कोरोना में जो आई, आई सी यू में जो पेशेंट थे उन पेशेंट को काफ़ी सारी एंटीबायोटिक दी सपोज करो जिन लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिली वहाँ पर स्लिंडामाइसिन और टेजोबैक्टम पाइप्रासीविन तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक दी गई उन लोगों को तो उनसे हो सकता है कुछ पेशेंट ठीक भी हुए हैं और कुछ पेशेंट में बहुत सारे एडवर्स इवेंट भी हुए हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ इंक्रीज ऑफ साइड इफेक्ट दे बता ही चुका हूं कि सुपर इन्फेक्शन क्या होता है तो यहां पर क्या होगा जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक आप यूज करोगे तो हमारा जो इनी, हमारा जो बॉडी का जी आई टी ट्रैक्ट का फ्लोरा है वो खत्म हो जाएगा एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इन्फेक्शन देन चांसेस ऑफ रजिस्टेंस केसेस ओके सो अब यहाँ पर देखिए एक जगह हम कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन से रजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा और दूसरा हम कह रहे हैं कि चांसेस ऑफ रजिस्टेंस तो यहाँ पर क्या हो सकता है ये कब हो सकता है देखिए ये कब होगा जब हम किसी एक केस में ऐसा कर रहे हैं कि हमें सेंसिटिविटी पता नहीं है ओके okay, हमें सेंसिटिविटी पता नहीं है कौन सी ड्रग के अगेंस्ट में बैक्टीरिया की है और उस केस में हम जो है मल्टीपल एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं ओके okay? एंड हो सकता है कि वहां पर नॉन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन यूज किए जा रहे हो सो नॉन सिनर्जिस्टिक अगर कॉम्बिनेशन यूज किए जाएंगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमरजेंस ऑफ रजिस्टेंस ओके सो दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रजिस्टेंस देन हायर कॉस्ट ओके कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाएगी मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी देन वॉट हैपन देयर इज ए इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर बढ़ जाएगा तो आप जानते ही हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर कि पब्लिक के पास है अपने हेल्थ चेकअप के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो वो कॉस्ट के बर्डन से ही मर जाएगा ओके सो दिस इज अनादर डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ओके एंड वन मोर थिंग दीज एंटीबायोटिक ऑल्सो कैजुअल अप्रोच ट्रीटमेंट ओके ओके तो यहां पर इस से क्या होगा रैशनल ड्रग का जो यूज करना चाहिए रेशनल थेरेपी जो देनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस कम होगी और कैजुअल अप्रोच ज्यादा चली जाएगी ओके दीज आर द सम डिस ऑफ कॉम्बिनेशन यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ओके सो कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट सो उस उस केस में आप लोगों को आज जो मैंने लेक्चर में दोनों चीज़ें पढ़ाई हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उसको पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना होगा ओके okay एवरी सो so, यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ एम सी क्यू डिस्कस किए हुए हैं इसी टॉपिक पर सो so, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आंसर ज़रूर करिए उन क्वेश्चन का ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं और जो भी मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी हैं उनके सॉल्यूशंस आप लिख रहे हैं ओके okay, एवरीवन और जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय भारत

Why antibiotics are used in combination in infectious condition? A to achieve synergism. B to prevent emergence of resistance. C to broaden the spectrum of antibiotic. D all are correct. Question number four: What are the disadvantages of combined use of antibiotics? A. It may increase adverse drug reaction chances. B. It may increase superinfection. C possibility of development of resistance if non-synergistic combination used. D all are correct. Question number five: Which statement is true? A. Combined use of antibiotic, one sideral, and another static may result in antagonism if sideral drug is highly sensitive to organism. B. Combined use of antibiotic, one sideral, and another static may result in synergism if sideral drug is low sensitive to organism. C. Both of these are correct. D. D. Both incorrect so i already discussed answer of all of these question in my lecture if you have any doubt then go through with the lecture again and answer in comment box